और जिलों के गठन के संकेत दे दिए हैं। सीएम गहलोत की माने तो छोटे जिले एक प्रयोग हैं और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भविष्य में और भी नए जिले बनाए जा सकते हैं, उसकी भी संभावनाओं को देखा जाएगा। सीएम के इस बयान के बाद तमाम लोगों को आस जगी है, लेकिन सवाल यही है कि अगर नए जिले बनने की संभावना है तो फिर चुनाव के बाद क्यों, क्या इसे पहले नहीं किया जा सकता? देखिए रिपोर्ट में। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी प्रयोगधर्मिता दिखा रहे हैं। नए जिलों के दौरे पर निकले सीएम गहलोत ने छोटे जिलों को समय की जरूरत बताने के साथ ही अपना प्रयोग भी बता दिया। सीएम ने कहा कि उन्होंने छोटे जिलों के लिए और दूदू के लिए अधिकारियों से भी बात की और राम लुभाया कमेटी को भी कन्विंस किया। इस दौरान गहलोत ने एक खुलासा भी किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कमेटी से पहले ही कह दिया था कि आप चाहे मुझे कैसी ही रिपोर्ट दो, छोटे जिले समय की जरूरत है और इसलिए दूदू जिला बना। मैंने कन्विंस किया गांवदवारी कमेटी को भी, अधिकारियों को भी, कि प्रयोग है मेरा। मैंने कहा मेरे अधिकारियों को भी कि आप चाहे कैसी रिपोर्ट मुझे दो, उनको मैंने कन्विंस किया गांवदवारी कमेटी को भी, अधिकारियों को भी, कि इसलिए जिला बनाए घेवरी दूदू, एक तो नेशनल हाईवे पर आया हुआ है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने यह भी कह दिया कि राजस्थान में 50 जिले तो हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से यह भी कह दिया है कि लोगों ने आशीर्वाद दिया और यह प्रयोग सफल रहा तो राजस्थान में और जिले बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक काम भी जल्दी होते हैं और लोगों को सहूलियत भी मिलती है। राजस्थान भर के अंदर 50 जिले हैं, हो सकता है कि अगर हमें आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और चौथी बार सरकार अगली बार सरकार बनाई कांग्रेस की, तो आप निश्चिंत रहो ये हमारा प्रयोग सफल रहा और राजस्थान में और जिले बन सकते हैं। राजस्थान भर के अंदर हम देखेंगे जहाँ संभावना है, छिपी संभावना है, दूरी बहुत ज़्यादा है जिला मुख्यालय से, तो हम चाहेंगे छोटे जिले बने, प्रशासनिक काम ज़्यादा जल्दी हो, तत्परता से हो, कुशलता से हो और लोगों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री के इस बयान के बीच देश में कई जगहों पर नए जिलों की चर्चा तेज हो गई है। चूरू के सुजानगढ़ के साथ ही जयपुर ग्रामीण के फुलेरा, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और टोंक के मालपुरा समेत दूसरी जगहों से जिला बनाने की मांग उठ रही है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल को सीएम की बात में उम्मीद की किरण दिख रही है। वे कहते हैं कि राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना भी सुखद संकेत है और वो तो चुनाव से पहले ही सुजला जिला बनाने को लेकर आशान्वित है। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, बहुत बार इस बारे में मैंने बात की है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आने वाले समय में जरूर कुछ न कुछ सुजानगढ़ के जिले के लिए कुछ करेंगे, आप चिंता मत करो। तो शायद उनके जहन में कहीं ना कहीं दिमाग में है कि सुजानगढ़ में कुछ न कुछ करना है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही, क्योंकि आचार संहिता भी लगी, हो सकता है उससे पहले पहले सुजानगढ़ वासियों को कोई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी दे दें। सीएम के इस बयान पर सांबर फुलेरा में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले जो लोग अपनी मांग रखने जयपुर आए थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी नेता डीडी कुमावत कहते हैं कि सीएम की ये घोषणा चुनावी लॉलीपॉप है। अगर सीएम को जिला बनाना ही है तो चुनाव से पहले क्यों नहीं बना देते? मुख्यमंत्री जी ने आज फिर एक घोषणा करी है, फिर एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करी है जिलों की घोषणा की, चुनाव के बाद फिर जिले बनाए जाएंगे। इन घोषणाओं में कुछ नहीं रखा है मुख्यमंत्री जी। चुनाव से पहले अगर घोषणा करनी है तो सामर फुलेरा जिले बन की करिए, तब तो कोई बात है। सीएम गहलोत ने छोटे जिलों को अपना प्रयोग बताने के साथ ही नए जिलों की संभावनाओं की बात तो कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिलों की हाफ सेंचुरी बनाने के बाद प्रदेश में और नए जिलों के गठन की गुंजाइश है?
सवाल ये भी है कि क्या वाकई सीएम नए जिले बनाना चाहते हैं या अपनी सरकार वापस लाने के अभियान में लोगों का साथ लेने के लिए जनता की कोहनी पर गुड़ लगाने की कोशिश हो रही है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। बुलेटिन में